वाली हूँ ऑन द वीडियो, लाइव वीडियो बनाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए इनक्रेडिबल मूवमेंट्स कॉट ऑन कैमरा बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज, ये तो सभी को पता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इंटरनेट भी कुछ कम खतरनाक जगह नहीं है। जहाँ इंसान का वीडियो वायरल हुआ नहीं कि उसकी सब पोल पट्टी खुल जाती है। शादी में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने आपस में लड़ाई किया और ना जाने क्या क्या। यानी आजकल भले ही पुलिस से बच जाओ, लेकिन इंटरनेट से बचना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए कुछ ऐसी ठिनचैक क्लिप्स जो आजकल इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर तैयार हो जाइए देखने के लिए आज का हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है इनक्रेडिबल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा का नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां इस घर में चोरी की बिजली चलाई जा रही थी और ऐसे में बिजली विभाग का छापा पड़ गया। चेकिंग टीम ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर मौजूद इंसान ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन बिजली विभाग को जब बिजली चोरी का शक हुआ तो उन्होंने लाइनमैन को बराबर वाले घर के ऊपर चढ़ाया। लाइनमैन अभी चोरी की बिजली का वीडियो शूट ही कर रहा था, घर का मालिक रेंगते हुए बालकनी में आया और चोरी की बिजली का जो जुगाड़ फिट किया उतरा उसे प्लास से हटाने ही वाला था कि अचानक वहां खड़े लाइनमैन ने कहा, अरे मैं तो यही खड़ा हूँ भैया। मैं तो यही खड़ा भैया। अरे सुनते ही इंसान का जो रिएक्शन था ना, वो देखने लायक था, क्योंकि लाइनमैन ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। भाई काय बिजली चोरी करते हो यार। कभी ऐसी लड़की देखी जिसके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल पांच आंखें और पांच होंठ हो? अगर नहीं देखी तो गहरे लूरे वीडियो में देख लीजिए। दरअसल अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके रेक्स चैपमैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक लड़की के पांच आंख और होंठ नजर आ रहे हैं। दरअसल ये कमाल एक मेकअप आर्टिस्ट का है जिसने मेकअप करके इस लड़की को अजीबोगरीब बना दिया है। मेकअप आर्टिस्ट ने इतनी सफाई से लड़की के चेहरे पर मेकअप के माध्यम से नकली आंख और नकली होंठ बना दिए हैं, जिसे पहचानना मुश्किल है। इस वीडियो को देखने के बाद ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इस लड़की की असली आंखें कौन सी हैं और नकली आंखें कौन सी हैं। वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि लड़की आखिरकार देख किसको रही है। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर शादियों के वीडियोस भी काफी हिट हैं, और माला की रस्म हो, बारात का सीन हो, कहीं ना कहीं ऐसा कांड भी हो जाता है कि इंटरनेट पर पलक झपकते ही छा जाता है। वैसे इन दोनों शादी के इस वीडियो ने कुछ ज्यादा ही धूम मचा दिया है। इसमें देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में दुल्हन बैठी होती है और तभी मांग भरो सजना वाली रस्म होती है, मतलब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने की। तो यहाँ दुल्हन के साथ घर के कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सिंदूर लगाने के लिए जैसे ही दूल्हे मियाँ खड़े होते हैं तो दुल्हन को न जाने क्या हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ऐसे में गुरु दूल्हे के दिमाग खो जाती बत्ती गुल और अपनी माला वाला एक तरफ एक करोल्टे भाव भाग जाता है। हालांकि घर वाले उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दूल्हा किसी के पकड़ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, जीजा साली का रिश्ता कटकर होता है, साली के बिना जीजा जी अधूरे मान लीजिए। वैसे मैं आपको जीजा साली की बॉन्डिंग वाला ये जबरदस्त वीडियो दिखाना चाहते हैं, जहाँ साली साहिबा जीजा जी का छेड़ते हुए फेमस बॉलीवुड सॉन्ग क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो। सही बात बोले भैया, क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, इस पर डांस कर रही है। और साली के शानदार डांस के साथ जीजा जी भी ताल में ताल मिलाते हुए छक्का डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, सदर्न थाईलैंड के हुआ हिन का ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहाँ देखा जा सकता है कि खाने की तलाश में एक हाथी किचन की दीवार तोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि दीवार तोड़कर हाथी ने अपने सिर को किचन के अंदर घुसा रखा है और अपनी सूंड से यहाँ पर प्लास्टिक की थैली में रखे हुए चावल अपने मुंह में डाल लेता है। वैसे इस हाथी को देखकर गुरु यही लगता है कि विदेशों में पल्ले बढ़ने वाले जानवर विदेशी लोगों की तरह कुछ कदम आगे ही होते हैं। दोस्तों, इन दोनों छोटे से बच्चे के डांस वीडियो ने इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से तहलका मचाया हुआ है। बता दें, इस वीडियो को आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा मास्क लगाकर शानदार तरीके से भंगड़ा कर रहा है। अभी हमने आपको बताया था
कि शादी के दौरान कई बार ऐसे मजेदार इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। जैसे हाल ही में शादी के समय जयमाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दूल्हे ने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मस्ती करने की ठानी, और ऐसे में जैसे ही जयमाला के समय दुल्हन दूल्हे को वरमाला डालने चलती है तो दूल्हा उसे छेड़ने के लिए कुछ ऐसा करता है, दुल्हन वरमाला डाल ही नहीं पाती है। उसके बाद दुल्हन बेचारी थककर सोफे पर बैठ जाती है, दूल्हा भी पैर ऊपर कर करके अपनी जीत की खुशी में सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन ऐसे में दुल्हन को मौका मिल जाता है और फटाफट दूल्हे के गले में वरमाला डाल देती है। अच्छा फ्रेंड्स, ये वायरल वीडियो देख लो। जाइक बाइकर पुलिस की आज से बच निकलने की कोशिश कर रहे, बाइक पर बैठा ये इंसान पुलिस के शिकंजे से निकलकर भागना चाहता है और पूरी कोशिश कर रहा है यार हाल में वो पुलिस के हाथ से छूटकर भाग जाए। तो ऐसे वो अपनी बाइक को भी स्टार्ट करके रखता है लेकिन अचानक पुलिस इसे छोड़ देती है और कॉल कर देती है, जिससे इसका बच निकलने का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि इसकी बाइक भी खराब हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय। बापरे डेंजर है, सही बात है ये, आप किसी से भी बच सकते हो इंटरनेट वगैरह से नहीं, क्योंकि आजकल लोगों के कैमरा ऐसे ही चालू रहते हैं और ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो जाती है वहां पे, जहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है सब कुछ आंखों के सामने। कभी कभी बहुत ही एम्बरेसिंग मोमेंट्स भी होते हैं, तो इनके बहुत सारे वीडियोस पे मैंने रिएक्ट किया था। अब वो शादी वाला जहाँ पे वो दुल्हन बेहोश हो गई, क्या हो गया क्या पता, सिंदूर लगाती धप करके गिर गई, और उसके बाद पति को कितना गुस्सा आया, वो वरमाला पर वो पगड़ी बिगड़ी सब फेंक के जाने लगा। शाना बाप रे, कैसे कैसे लोग हैं। दूसरे वाले तो ठीक था, मुझे लगा इसमें भी कुछ मसालेदार होगा, क्या क्या करने वाला है पति या पत्नी, बट वो बैठने गए वाइफ ने मौका ढूंढा और फटाक से वरमाला डाल दी, वो सही था। जीजा साली का डांस हो या कुछ भी हो, ऐसे ऐसे चीज तो लगे वायरल हो जाते हो। छोटे बच्चे का डांस बहुत सही था, मजा आ गया यार वो देख के, बहुत सही। और जब जो स्टार्टिंग में नहीं गए, जब वो खुद बात कर रहे थे तो कुछ क्लिप्स चल रहे थे देखो, कि कुछ ऐसे कैमरा में कैद हो जाते कुछ ऐसे मूवमेंट्स एंड ऑल, और उसमें से एक दो मूवमेंट्स तो उनसे खतरनाक थे। मतलब वो अगर कैमरा में कैद हो गए तो लोग आई गो, मतलब उनको पूरी जिंदगी ऐसा हो जाएगा कि यार ये क्या है, ये क्या शूट हो गया करके, नहीं क्या उनको पूरी जिंदगी वैसे लगेगा कि यार ये क्या हो गया करके। और बिजली विभाग वाला भी खतरनाक था, चोरी से लिया, उसको लगा वो लोग आए हैं, उसके पहले मैं काट दू और फिर मेरे पे नाम नहीं आएगा, चुपके से जा रहा है। उसके बाद पकड़े जाने के बाद जो उसके एक्सप्रेशन थे, रिएक्शन था, वो बेहद खतरनाक था, कुछ भी बोलो, मतलब डेंजरस था। मोस्टली ये शादी वाले जो क्लिप्स है ना, ये देखने में मजा आ जाता। देखो अभी बीच में कुछ तो ट्रेंडिंग में था, तो वो जो दुल्हन थी वो अंदर जाने को ही तैयार नहीं थी शादी में, बिकॉज उसका फेवरेट गाना, वो चाहती है कि मेरा फेवरेट गाना कैसे प्ले नहीं हुआ, मैंने कहा था कि मेरी जब एंट्री होगी तो ये गाना प्ले होना चाहिए, वो गाना कैसे प्ले नहीं हुआ, मुझे वो गाना चाहिए नहीं तो मैं अंदर नहीं आऊंगी करके, और वो भी कितना वायरल हो चुका था। और कितने सारे, मैंने तो कितने सारे पेजेस पे देखा था कि इसलिए मतलब लड़की ने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये हो गया था, वो एकदम छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसके से शादी कैंसिल हुआ, तो मुझे लगा और भी ऐसे देखने को मिलेंगे हमको ऐसे क्लिप शादी वाले, तो मजेदार होते हैं थोड़ा सा इसलिए। तो ये मेरा रिएक्शन ऑफ द वीडियो, लाइव वीडियो बनाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज से मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज। बाकी परत नहीं आ रही।